सो गाइज, आज की वीडियो में हम स्पेशली हेयर लाइन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद आती है। एक्चुअली काफी लोगों को अभी भी ये लगता है कि हेयर ट्रांसप्लांट से बाल तो आ जाते हैं, लेकिन जो हेयर लाइन होती है वो नेचुरल नहीं होती। मतलब लोग डिटेक्ट कर लेते हैं कि इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवा रखा है, और इन पेशेंट को भी ऐसा ही लगता था जब इन्होंने बेस्ट हेयर हेल्प में कॉन्टेक्ट किया था। फाइनली इन्होंने अपना ट्रांसप्लांटेशन जयपुर के एक बहुत ही अच्छे क्लिनिक से करवाया, जिसमें इनके लगभग 3000 ग्राफ्ट लगे। एंड अगर हम बात करें ट्रांसप्लांटेशन के 6 महीने बाद की, तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इनका रिजल्ट आया है। फ्रंटल हेयर लाइन बहुत ही ज्यादा नेचुरल लग रही है। डेंसिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी इनकी डेंसिटी आई है, और आप इस रिजल्ट को देख के समझ सकते हो कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट बहुत ही ज्यादा नेचुरल आता है अगर आपने एक अच्छी जगह से अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाया हो तो। सो गाइस, अगर आप भी अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो क्लिनिक को लेकर, कॉस्टिंग को लेकर, तो आज ही besthairhelp.com पे कॉन्टैक्ट करें, या फिर स्क्रीन में जो आपको नंबर दिख रहा है आप उसमें कॉन्टैक्ट करके भी अपना ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हैं।